आखिर तुम्हें मेरी याद आई गई। विमान, विमान वो समीर। क्या हुआ अंजलि? समीर मेरे घर पहुंच गया। विमान क्या? विमान आशा भाभी और मौज घर पे अकेले हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो उन दोनों को जाके हर्ट कर देगा। प्लीज प्लीज डू समथिंग, प्लीज कुछ करो। तुम घर जाओ, तुम समीर को रोको, मुझे नहीं पता। प्लीज तुम कुछ करो। अंजलि अंजलि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी वहां जाता हूँ। भगवान प्लीज भाभी और मौज को सेफ रखना। तुम लोगों की वजह से पुलिस ने मेरी मार मार की जो खातिरदारी करी है उसका रिटर्न गिफ्ट तो देना बनता है। मैं तुमसे माफी मांगने आया। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया बहुत गलत किया आशा। पर आशा जब मैं जेल में था ना मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या बन गया हूँ, पैसे के लालच में मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं समीर ऐसा नहीं था। आशा इंसान अगर दुनिया की नजरों में गिर जाए ना तो फिर भी उठ सकता है, लेकिन मैं खुद की नजर में गिर जाएगा तो कैसे उठेगा मुझे बताओ ना। आशा मुझे माफ कर दो। आशा अगर उस दिन इंदु और रितेश सही टाइम पे नहीं आते तुम तो सच में मर जाती। आशा सबसे बड़ा सॉरी तो मैं इसलिए मांगने आया हूँ, वो तुम्हारे गले में मैंने दुपट्टा बांध दिया था, तुम मर जाती तो तुम मुझे ना वो थोड़ी सी वो बस आशा वो थोड़ी सी ना टाइमिंग ऑफ हो गई। वैसे आशा इंदु और रितेश के आने से पहले मैं दुपट्टा खींच देता ना तो तुम मर जाती, सच में मर जाती। नहीं तुम लोगों को क्या लगा कि तुम लोग मेरी पुलिस में कंप्लेन करोगे मैं जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ता रहूंगा, कभी बाहर नहीं निकलूंगा। तुम जून को पैसे को लेकर निकल जाओगे। आशा भाभी तुझसे मेरी कभी भी कोई दुश्मनी नहीं थी, अब तो खुद ही मौत के कुएं में कूदना चाहती है तो मैं क्या करूं। अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा ना। उस दिन टाइमिंग ऑफ हुई थी, टाइमिंग ऑफ होने का कोई चांस नहीं है आज। तुम्हारा आखिरी वक्त अब शुरू होता है आशा भाभी, और अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा बची हो तो वो बता देना, इतना दिल है मेरे अंदर वो पूरी कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए। मुझे कैसे भी करके इंदु को फोन करना होगा। क्या कर रहे हो आप ये? मौज तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे किसने बताया मैं यहाँ पर हूँ? भाई भाई अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको घर ले जाने आया हूँ, आप मेरे साथ घर चलो। एंड आई नो आप बहुत गुस्से में हो लेकिन मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं आपकी भलाई चाहता हूँ, आप घर चलो। भाई अभी आप बेल पे बाहर आए हो, मैं यहाँ कुछ ऊंच नीच कर दी तो फिर से आपकी कंप्लेंट कर देंगे और आप फिर अंदर चले जाओगे। थिंक प्रैक्टिकली भाई, ये लोग कंप्लेंट करेंगे मेरी। भाई 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 बात को आगे मत बढ़ाओ, आप पहले बहुत कुछ कर चुके हो और इमेजिन अगर आप दोबारा जेल चले गए तो जून और पैसे दोनों हाथ से चले जाएंगे। भाई इस वक्त दिमाग से काम लेना, गुस्से से नहीं। मैं जानता हूँ इन लोगों ने आपको बहुत टॉर्चर किया और आप भी इनसे अपना बदला लेना जरूर लेना, बट स्मार्टली नॉट इम्पल्सिवली। सही कह रहा हूँ? बात तो सही कह रहे। इस टाइम पर मुझे कादंबरी की वसीयत पर ध्यान देना चाहिए। इस सास बहू को तो मैं बाद में देखता हूँ। समीर की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ, वो तो मुझे अंजलि का फोन आ गया तो मैं भागा भागा यहाँ आ गया। आप लोग ठीक तो है ना? मैंने भाई को बहला फुसला कर शांत कर दिया, आप लोग अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। चुप हो जा, चुप चुप चुप।
क्या हुआ मर्ज? आप ठीक तो? इंदु, आप रो क्यों रही हो? तुम्हारा आखिरी वक्त अब शुरू होता है आशा भाभी। आप ठीक हो? आशा कैसी है? वो ठीक है? आशा ठीक है, लेकिन अगर विवान सही समय पर नहीं आया होता तो समीर पता नहीं आज आशा के साथ क्या कर जाता। मुझे आप टेंशन मत लो, मैं बाहर ही हूँ। समीर, तुम मेरे घर क्यों गए थे? मेरी मर्जी। भूलो मत समीर, मैंने तुम्हारी बेल करवाई थी। कामना दी ये घर छोड़ के ना जाए, इसीलिए मैंने तुम्हें छुड़वाया था। तो फिर क्यों गए थे तुम मेरे घर? क्यों मेरे घर वालों को डराया धमकाया तुमने? रितेश के लाख मना करने के बावजूद भी मैंने तुम्हारी बेल करवाई, लेकिन तुम कभी नहीं सुधरोगे। एक नंबर के राक्षस हो तुम। हो गया, ये अपना भाषण अपने पति के लिए बचा के रखना। दो दिन से सोया नहीं, नींद आ रही है। तुमसे ज्यादा बातें करूंगा तो वो भी उड़ जाएगी। समीर, भाभी इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, चीजें और खराब ही होंगी। यू डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिजान, आज तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। मैं मौज और आशा से मिल के आती हूँ। शुड आई ड्रॉप यू? नहीं, मैं चली जाऊंगी। कुछ भी और जरूरत पड़े तो मुझे बता। ओके, थैंक यू। बाय बाय। आज अगर विवान टाइम पर नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना जानवर कैसे हो सकता है। कोई इंसान पैसों की लालच में कोई ये कैसे भूल जाता है कि सबसे पहले वो एक इंसान है। उसकी इंसानियत तो जैसे खत्म ही हो गई है। आशा, तूने उसका चेहरा देखा था ना? आज के जमाने का राक्षस है वो। मेरा तो ये सोचकर दिल थम सा जाता है कि इंदु रोज उस राक्षस का सामना कैसे करती होगी। मोहन, आप ही तो कहती हैं कि बुराई कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, पर जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और वो आदमी कितना भी बुरा क्यों ना हो, देखना जीत हमारी इंदु की ही होगी। आंटी आशा जी, आप दोनों ठीक हो? अंजलि का फोन आया था, उसने कहा कि समीर आया था यहाँ पर। हाँ, हम ठीक है। हाँ, समीर यहाँ आया था, पर जब समीर यहाँ आया तब सही समय पर विवान ने आकर हमें बचा लिया। विवान को शायद अंजलि ने फोन किया था, क्योंकि जब समीर यहाँ आया था तो मैं फोन पे अंजलि से बात कर रही थी। हाँ, उसने बताया मुझे। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि समीर की बेल हुई कैसे। उसने इतना बड़ा क्राइम किया है, उसे कैसे छोड़ सकते हैं? बेटा, पैसे वाले लोगों का यही काम है, अपनी मनमानी करते हैं और पैसों की पावर पर छूट जाते हैं। इंदु को पता है इस बारे में? आशा जी, इंदु से कोई बात हुई? हाँ, मेरी बात हुई थी इंदु से, अभी आती ही होगी। मौज, मौज, आप ठीक तो हो ना? हम ठीक है। और समीर तो पूरा पागल हो चुका है, वो इंसान नहीं राक्षस है, राक्षस। जानती हूँ मौज, अब हमें और संभल कर रहना होगा, क्योंकि वो जेल से छूट गया है। इंदु, पर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो जेल से बाहर निकला कैसे। इंदु, जब हमारी आखिरी बार बात हुई थी और तूने बोला था कि तू इंदु, तेरा चेहरा क्यों गिर गया? मतलब तूने कहीं समीर की? मैंने समीर की बेल करवाई थी। क्या?